वेलकम दोस्तों, रिलैक्स स्टडी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज जो मैं लेके आया हूँ, आप देख रहे हो कि वेरियस जो डिफरेंट एसी है, 7, 8, 8 AC और 9 AC, तो दोस्तों इनके मेरे पास वेरियस अपडेट आए और जिसके में GD के टॉपिक किस प्रकार से आए थे, आपका PFT का रिजल्ट क्या रहा था, और जो 81, 82 में दोस्तों किस तरह से हुआ और फाइनली जो है कितने बंदे सेलेक्ट हुए मेडिकल के लिए, तो दोस्तों सब चीज़ जानेंगे हम। जानने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों आपको इसी तरह नेक्स्ट अपडेट भी मिलते रहेंगे, तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कल भी इसी तरह के अपडेट मिलते रहे और आप डेली डेली अपडेट हो, ताकि आपसे इससे क्या होगा दोस्तों, फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों चलते हैं, आज देखते हैं फुल रिव्यू में कैसे रहा क्या रहा। तो दोस्तों जैसे फर्स्ट जो था इसमें क्या था दोस्तों, मैं 7 AC की बात करता हूँ जो दोस्तों आपको पता है बेंगलोर में है। उसमें क्या हुआ था दोस्तों, जैसे स्टूडेंट ने बताया, तो हो सकता है दोस्तों इसमें डाटा जो है लिटिल बिट चेंज हो सकता है, बट अप्रोक्सीमेट दोस्तों डाटा है वो दोस्तों यही रहा है। तो दोस्तों इसमें हम पहले जानेंगे कितने कैंडिडेट को बुलाया गया था। दोस्तों रिपोर्टिंग जो था 302 कैंडिडेट का था, आए थे 250 के अराउंड आए थे दोस्तों। रनिंग में जो दोस्तों है 180 सेलेक्ट किए, यानी कि अराउंड 60 के आसपास दोस्तों क्या किए, रनिंग में आउट कर दिए थे, ठीक है दोस्तों। और 81 का दोस्तों क्या रिजल्ट रहा, तो 81 में दोस्तों इसमें जो SRT उसमें एक कैंडिडेट को बार किया गया था, ठीक है दोस्तों। वो क्यों किया गया वो भी मैं बताऊंगा इसमें। नेक्स्ट था दोस्तों जो 82 है उसमें 23 कैंडिडेट को बार किया गया था, ये क्यों किया गया ये भी मैं बताऊँगा। नेक्स्ट है दोस्तों फाइनली जो मेडिकल में 165 कैंडिडेट मेडिकल में रिकमेंड हुए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ था दोस्तों। ये तो गलती 1302 कैंडिडेट को उनको बुलाया गया था, 250 कैंडिडेट आए, तो हो सकता है दोस्तों उनकी पर्सनल प्रॉब्लम हो, नहीं आ पाए हो या कैसे भी करके वो लेट हो गए, जो भी XYZ उनकी प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट था दोस्तों रनिंग में अप्रोक्सीमेट 188 सेलेक्ट हुए। दोस्तों बताना चाहूँगा कि स्टूडेंट बता रहे थे उनका जो एयरफोर्स का स्टाफ था वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव था, उन्होंने कम से कम 8 या 10 सेकेंड जो है आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया वहाँ पर। नेक्स्ट था दोस्तों जैसे 81 SRT में एक कैंडिडेट को बाहर किया, उसका भी एक रीज़न है क्योंकि दोस्तों कुछ लोग क्या होते हैं क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाते। तो दोस्तों बताना चाहूँगा SRT जितने भी हैं आप अटैम्प्ट कीजिए, हो सकता है आपकी सोच में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो, बट दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप उसको कम्प्लीटली अटैम्प्ट कीजिए। नेक्स्ट इसमें था क्या दोस्तों कि 82 जो GD में थे उसमें 23 कैंडिडेट को बाहर किया, इसका रीज़न क्या है? तो दोस्तों इसका रीज़न सिंपल सा ही है, उन्होंने तैयारी कर रखी होगी, बट जब डिस्कशन जब हो रहा था तो दोस्तों उसमें से वो बोल नहीं पाए, जैसे कि स्टूडेंट बता रहे थे उनको बाहर करने का रीज़न। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप जैसे भी जाओ, जब भी जाओ, जो भी स्टूडेंट है कुछ भी बोल रहा है, तो आपको अगर पॉइंट अच्छा लग रहा है तो वो पॉइंट लेके आप एक दो पॉइंट उसमें ऐड कर सकते हो, या आपको ऐसा तो कुछ है भी नहीं जो बिल्कुल भी नहीं पता। दोस्तों मैं चाहूँगा आप बोलो ज़रूर, एटलीस्ट कुछ भी कुछ बोलो, किसी का पॉइंट उठा लो, पीछे से उठा लो, आगे से उठा लो, बट आपको बोलना ज़रूरी है, आप चुप नहीं रहना, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका रीज़न जैसे स्टूडेंट ने बताया, फाइनली जो 165 कैंडिडेट का मेडिकल में रिकमेंड किए गए, तो ठीक है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों जो मेडिकल होने वाला है वो July 1st week में ही होने वाला है, किसी का अलग अलग डेट दिया है, अलग अलग मेडिकल जो सेंटर दिया है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसमें GD के टॉपिक कौन कौन से आए थे। तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि ज़्यादा मेरे पास पॉइंट आए नहीं कि GD के कौन कौन से टॉपिक थे, बट जो भी आए थे मैं इसमें बताना चाहूँगा। जैसे दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान, तो दोस्तों ये बार बार आ रहा है, रिसेंट आपको पता है गंगा क्लीन से लेके भी आप बोल सकते हो, नमो जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है उसके बारे में लेके आप दोस्तों बोल सकते हो, ठीक है। तो आपके पास बहुत सारे ऐसी चीज़ें थे, ऐसे डाटा थे जो मैंने आपको ये अपने GD टॉपिक में भी बताया था कि इसमें से आएगा। आपने अगर एटलीस्ट उन पे भी दो दो तीन तीन लाइन अगर आपने पढ़ी है या देखी की है, तो दोस्तों आप पक्का ये अटैम्प्ट किया और आपने मतलब GD में कह रहा हूँ 100% क्लियर किया। और नेक्स्ट दोस्तों था जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली, ये भी मैंने अच्छे से कराया अपने GD टॉपिक में कि इस ये भी टॉपिक आने वाला है। नेक्स्ट जो था दोस्तों पोल्यूशन, ये तो दोस्तों इमर्जिंग पॉइंट है, तो ये तो आना ही आना था। रोड वायलेंस और पॉवर्टी, ये दो 7 AC सेंटर जो बेंगलोर था उसमें GD के टॉपिक दिए गए, हो सकता है दोस्तों इनमें से टॉपिक लिटिल बिट चेंज हो सकते हैं, बट ये नहीं कि कम्प्लीटली चेंज। इनमें से 2 या 3 पॉइंट जो दोस्तों थे वो एग्जैक्टली स्टूडेंट ने बताया है, जिनको याद रहा जैसे है मेरे पास आए, मैंने आपके पास लेके आए। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों 8 AC में, 8 AC दोस्तों आपको पता है चेन्नई है ताम्बरम में। तो इसमें दोस्तों रिपोर्टिंग जैसे 175 कैंडिडेट की थी, उसमें से 160 कैंडिडेट ही आए थे, ठीक है दोस्तों, यानी 15 कैंडिडेट जो थे ऑलरेडी पहले से ही क्या थे वो आए नहीं। नेक्स्ट क्या था दोस्तों, रनिंग में जो था दोस्तों अप्रोक्सीमेट 110 सेलेक्ट हुए, अप्रोक्सीमेट, हो सकता है दोस्तों लिटिल बिट इसमें भी चेंज हो,
क्योंकि एग्जैक्ट डाटा उनके पास नहीं रहता दोस्तों, क्योंकि इतना प्रेशराइज होता है स्टूडेंट पे, उनको बहुत सारे फॉर्म फिलअप या जो भी एक्स वाई जेड उनको करना पड़ता है, नेक्स्ट फेज की उनको सोचना पड़ता है कि मेरे को कैसे क्या करना, तो इतना डाटा उनको याद नहीं रहता। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसमें था दोस्तों एटी एसआरटी में 4 कैंडिडेट को बाहर किया गया था, वो भी मैंने रीज़न आपको पहले ही बता चुका है कि क्वेश्चन में क्या होता है दोस्तों, हम अटैम्प्ट नहीं कर पाते जितने हमारे पास क्वेश्चन आते हैं एसआरटी में, तो वो हम अटैम्प्ट नहीं कर पाते, जिसके कारण रीज़न क्या होता है दोस्तों, जब आप अटैम्प्ट भी नहीं कर रहे हो तो वो आपको क्या रिजल्ट देंगे, ठीक है, आप खुद ही रिजल्ट दे रहे हो उनको। तो दोस्तों हमें क्या है, अटैम्प्ट करना हो सकता है हमारी सोच में, जो पॉजिटिव सोच लेके ही करना है, गुस्सा नहीं करना, तो उसमें से ऐसा ऑप्शन दो होते हैं दोस्तों, एक ज़्यादा अच्छा होता है एक कम अच्छा होता है, बाकी दो नेगेटिव होते हैं, तो दोस्तों इस तरह के होते हैं, तो हमें कोशिश करनी है कि दो में से एक ऑप्शन जो अच्छा या ज़्यादा अच्छा है उसमें एक तो सेलेक्ट करके आए। नेक्स्ट था तो दोस्तों जीडी के तो 10 कैंडिडेट बाहर हुए, तो दोस्तों आपको पता है ई स्टेप एग्जिट पॉलिसी है, कुछ ना कुछ बाहर करना है, बट अगर आप में क्वालिटी है, क्वालिटी इन द सेंस कि आप वहाँ पे एटलीस्ट बोलोगे कुछ ना कुछ किसी का, क्योंकि दोस्तों आपकी स्किल ज़रूरी नहीं है कि वहाँ आप कितना पढ़ गए हो, सबसे बड़ी दिक्कत है कि वहाँ जाके आप कितना बता रहे हो उनको, उनको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को, तो वो ज़रूरी है। तो दोस्तों जो 82 में 10 कैंडिडेट हुए, हो सकता है उन्होंने कम बोला होगा या बिल्कुल ही नहीं बोला, तो ये रीज़न रहा है। तो मैं दोस्तों आपको यही सलाह देना चाहूँगा कि आप एटलीस्ट वहाँ पर बोलिए, किसी दूसरे का पॉइंट उठाइए और उसमें ऐड करके बोलिए। नेक्स्ट था दोस्तों फाइनली जो मेडिकल के लिए 95 कैंडिडेट को रिकमेंड किया, इनके भी सेम जो जुलाई 1 वीक में मेडिकल डेट दी है। इसमें दोस्तों जीडी के टॉपिक कौन कौन से है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें जो आया था जीडी का टॉपिक वो था ई यूटीजिंग, जो मैंने बताया है कि दोस्तों ऐसे टॉपिक ही आते हैं आजकल, क्योंकि ये है दूसरा जॉइंट फैमिली दोस्तों, ये तो कॉमन टॉपिक हो गया, ये हर जगह पूछा जा रहा है, पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग। दोस्तों ये जो टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग जॉइंट फैमिली, ये मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर एक अपने जीडी जो टॉपिक थे टॉप जो 30 है या 40 टॉपिक है उसमें मैंने कवर किया, अगर आपने एक बार भी वीडियो देखा होगा तो दोस्तों आपने ज़रूर इस चीज़ को करके आएगा। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि आपको अगर अपडेट चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे लिंक दिया हुआ है और उसमें हिस्ट्री में आप वहाँ से जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं या मेरे अबाउट में जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ से आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। और दूसरे दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको नेक्स्ट जितने भी है वो सारे अपडेट मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 9AC में क्या हुआ था। ठीक है दोस्तों 9AC में दोस्तों 250 कैंडिडेट की रिपोर्टिंग थी, जिसमें से अप्रोक्सीमेट 200 बता रहे हैं। तो हो सकता है दोस्तों इसके अंदर क्या है, जो 200 कैंडिडेट बता रहे हैं वही सेम प्रॉब्लम है दोस्तों, पर्सनल प्रॉब्लम एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकती है, 200 कैंडिडेट ही अपियर हुए थे, उसमें से दोस्तों रनिंग में 118 सेलेक्ट हुए ऐसा बताया जा रहा है। तो दोस्तों देखो रेशियो कितना कम हो गया। ठीक है दोस्तों, तो उसमें बताया गया कि जैसे कि इनको टाइम 8-10 सेकेंड जो एक्स्ट्रा दिया जा रहा था, बट उसके बाद भी कुछ लोग मतलब कुछ क्या काफ़ी दोस्तों आप समझ सकते हो अराउंड 80 के अराउंड जो है बंदे जो PFT फेज़ में ही आउट हो गए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों जो है 80 आपका 1 है SRT, उसमें क्या दोस्तों एक भी कैंडिडेट को बाहर नहीं किया, देखो दोस्तों कितनी अच्छी बात है। तो इसमें हो सकता है कि उन्होंने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे और सही से अटैम्प्ट किए होंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसमें 82 था, उसमें भी 10 कैंडिडेट बाहर की, जैसे कि स्टूडेंट में बताया तो 10 कैंडिडेट बाहर हुए हैं, और जो फाइनली जो दोस्तों था उसमें 108 कैंडिडेट मेडिकल के लिए रिकमेंड हुए। तो दोस्तों हो सकता है ये डाटा थोड़ा बहुत वेरी हो, ज़्यादा नहीं होगा दोस्तों, एक दो स्टूडेंट या दो तीन स्टूडेंट का वेरी होगा, बट मैक्सिमम दोस्तों यही परसेंटेज या यही वेटेज रहा है। तो दोस्तों जो बाहर हो रहे हैं उसका एक ही रीज़न हो सकता है कि वो लोग हैं वहाँ पर या तो कुछ अपने आप में बोल नहीं पा रहे हैं जीडी के टाइम में, या फिर जो है बात या डिस्कस जो कर रहे हैं उनमें ध्यान नहीं दे रहे। तो मेरे कहने का मतलब ये, जब भी जीडी हो तो आपका कंसंट्रेशन है वो एक दूसरे के जो बैच नंबर है या चेस नंबर है उसी की तरफ ध्यान होना चाहिए, उनके सामने आई कॉन्टैक्ट आप रहना चाहिए, ना कि आपके जो एग्जामिनर या असेसर होते हैं उनकी तरफ। तो दोस्तों ये चीज़ मैंने आपको पहले भी कराई है कि आपका किस तरह से आपको वहाँ पर रिप्रेजेंट करना है किस तरह से। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि आपको भी अगर लगे कि नहीं सर वहाँ पर इस तरह का टॉपिक आया था दूसरी जगह, तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि ये जो स्टूडेंट ने बताया उस टाइम उसका दिमाग में जितने आए थे उतने मेरे को जल्दी में या फास्ट जो था उसने शेयर किया। तो मैं चाहूँगा दोस्तों आप भी इसमें वीडियो में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको जिस तरह का डाटा मिला है या अदर AC में जो भी डाटा मिला है, ताकि मैं आप उस पर वीडियो बना के जो बाकी स्टूडेंट हैं उनको तक पहुँचाऊँ। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट इसमें दोस्तों एक चीज़ देखना चाहेंगे कि GD टॉपिक कौन से रहे दोस्तों, इसमें भी स्वच्छ भारत अभियान रहा दोस्तों। देखो कितना मतलब क्रिटिकल पॉइंट है ये, कितना क्रिटिकल GD पॉइंट है टॉपिक है जो मतलब बार बार पूछा जा रहा है। नेक्स्ट था जॉइंट और न्यूक्लियर फैमिली, ये भी दोस्तों सेम है, ग्लोबल वार्मिंग और फ्रीडम ऑफ मीडिया, सोशल नेटवर्किंग पर्सन बुक
रोड सेफ्टी और पावर्टी। दोस्तों ये सारे जीडी टॉपिक है, मैं चाहूँगा हो सकता है ये कल आपका जो या जो भी नेक्स्ट आपका फेज़ टू में जो हो रहा है एग्ज़ाम उसमें आए या नहीं आए, पर दोस्तों वो आपको एक पता चल रहा है कि जो जीडी के टॉपिक आ रहे हैं वो किस तरह से आ रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं, कितने सिंपल आ रहे हैं। तो दोस्तों जीडी में इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है जितना आप मतलब पीएफटी में या एसआरटी में कर रहे हो, क्योंकि एसआरटी में क्या हो रहा है, हमसे सबसे बड़ी गलती हो रही है कि हम अटैम्प्ट ही नहीं कर पा रहे। दोस्तों अटैम्प्ट आपको करना है जितने मैक्सिमम जितने हो सके, बहुत कम छोड़ना है, क्योंकि दोस्तों मैंने एसआरटी के वीडियो भी डाले हैं जिससे आप एक जनरल आइडिया सेट हो जाता है माइंड में कि किस तरह से हमें अटैम्प्ट करके क्वेश्चन करके आना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी डाउट हो और बाकी एसी का आपको पता चला हो, बाकी एसी के जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि वहाँ जीडी के टॉपिक कितने कैसे आए थे और उसमें कितने कैंडिडेट आए और कैसे कैसे उनका रिजल्ट रहा, ताकि उनको भी दोस्तों मैं चाहूँगा कि जो भी ये वीडियो देखें उनको हेल्प मिले, उनको आगे के लिए अपने क्या है प्रोग्रेस कार्ड वो एक तरह से बनाए और फाइनली वो भी फेज़ टू क्लियर करें। तो जिसने भी आज फेज़ टू क्लियर किए दोस्तों मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेसन फाइनली, और जो आपका आगे है मेडिकल भी वो फाइनली आप क्लियर करो। और दोस्तों एक चीज़ बताता चाहूँगा, मेडिकल पर मैं वीडियो लेके आऊँगा, तो इस चैनल के साथ बने रहिए, मेडिकल पर आपके एक अच्छा वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपका कलर ब्लाइंडनेस या जो भी एक्स वाई जेड उस पर सारा मैं आपको डिटेल लेके आऊँगा, क्योंकि दोस्तों आपका पीएफटी का भी मैंने एक वीडियो बनाया था काफ़ी अच्छा है, चैनल पे आप जाके डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो उस प्लेलिस्ट से, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट दोस्तों ये है कि अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपके अपडेट मिलते रहेंगे, इसी तरह चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।